आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। अभी मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हुआ हूँ। अभी मैं ड्यूटी निकलूँगा। काम पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। पेट्रोकेमिकल प्लांट में आप जानते ही होंगे मोबाइल अलाउ नहीं होता है ले जाना, तो इधर बैन है मोबाइल ले जाना। इधर गल्फ में ड्यूटी भी सुबह ही रहता है, 5 बजे निकलना पड़ता है, 5:30 बजे निकलना पड़ता है या 6 बजे तक निकलना पड़ता है। ज़्यादा ड्यूटी सुबह ही रहता है। अपने देश में इंडिया में इतना सुबह ड्यूटी नहीं रहता है, कहीं 8 बजे, कहीं 9 बजे, कहीं 8:30 बजे रहता है निकलना। लेकिन इधर ज़्यादा ड्यूटी सुबह से ही स्टार्ट होता है। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे, तो ज़्यादा सुबह में ही निकलना पड़ता है द ड्यूटी। आप गल्फ आना चाहते हैं तो अपनी तैयारी कीजिए बढ़िया से। जहाँ पे टेक्निकल हैंड काम चल रहा हो, वेल्डर, फिटर, कॉलम टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या कोई अन्य क्रेन ऑपरेटर हो गया, वहाँ पे काम सीखें। और काम छोड़ते समय वहाँ से सटीक फिटिक उस कंपनी से या कोई भी कंट्रेक्टर हो तो उससे ज़रूर लें। वो सटीक फिटिक आपको बाहर के इंटरव्यू देने में काम आएगा। यहाँ का ड्यूटी सुबह ही अधिकांश रहता है, यही बताने का था। बहुत लोग पूछ रहे थे ड्यूटी कितने बजे से रहता है गल्फ में, तो वही मैं बता रहा था। यहाँ ड्यूटी बहुत सुबह में ही रहता है और कभी कभी नाइट ड्यूटी भी चलता है। ज़्यादा कंपनी का काम रहता है तो यहाँ भी नाइट चलता है, डे नाइट। ज़्यादा गर्मी का दिन आता है तो ज़्यादा गर्मी जब होने लगता है तो 2 घंटे का लंच हो जाता है, मतलब 2 घंटा आराम मिलेगा लंच में, 2 घंटा हो जाएगा। और अधिकांश आदमी का नाइट ड्यूटी हो जाता है ज़्यादा गर्मी के दिन में। अभी उतना गर्मी नहीं है तो अभी आधा घंटा का या 1 घंटा का लंच चल रहा है। बहुत से कंपनी है कि कोई कोई साइड है वहाँ लंच का टाइम नहीं कटिंग करता है, लेकिन बहुत सारे कंपनी हैं जो लंच का समय भी कटिंग करता है। जैसे आधा घंटा हुआ तो आधा घंटा कटिंग कर देगा, आधा घंटा और अधिक करने पे आपको उतना होगा। यही बताना था। सुबह में यहाँ का ड्यूटी होता है गल्फ का अधिकांश कंपनी में, और आगे भी मैं बताते रहूँगा। जो जो सवाल आता है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। कुछ भी आप पूछ सकते हैं गल्फ़ के बारे में, कहाँ जाए, कहाँ क्या करें कि हम गल्फ़ आने में आसानी हो, मेरे से जितना हो पाता है मैं जानकारी दे देता हूँ। कमेंट आप करें, मैं जानकारी खुल कर देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आगे, आप लोग पसंद करेंगे, आप लोग तारीफ़ करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। मुझे पैसा की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से पैसा मिले या ना मिले पैसा मेरा मकसद नहीं है। मैं अपने जानकारी को आपके बीच में शेयर करता हूँ क्योंकि मैं नया नया था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था आने में, जानकारी नहीं था, इसलिए अपना जानकारी मैं शेयर कर देता हूँ कि दूसरे को जानकारी मिले, उससे वो आसानी से गल्फ आ जाए अगर आना चाहे, या अफ्रीका दूसरे देश भी जाना आसान हो जाए। वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।